नमस्कार, मैं रणवीर कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रेप जोन में। आज एक बार फिर से एक वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में मैं बात करने आपके पास आया हूं। ठीक है, वैकेंसी है ये LIC का, जो क्लरिकल का वैकेंसी आया है, असिस्टेंट का वैकेंसी आया है 2019 में। करीब 8,000 वैकेंसी है, इसके बारे में बात करूँगा। इसकी एवरी डिटेल्स, इसका एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, प्री का क्या तरीका है, प्री एग्ज़ाम कब होने की संभावना है, मेंस कब होने की संभावना है, इसके हर एक डिटेल्स, जितनी भी इससे रिलेटेड जो जानकारियां हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको यहां पे दे दूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट से। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेट से कि फॉर्म कब से स्टार्ट होना है। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, बहुत शॉर्ट में बताऊँगा, कोशिश करूँगा सारी जानकारियाँ दे दूँ। स्टार्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन है 17 सितंबर 2019, मतलब आज 18 तारीख हो गया, तो 17 से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एंड द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम इज 1 अक्टूबर 2019। तो ध्यान रखिएगा, बहुत कम समय है आपके पास, सिर्फ 12-13 दिन का समय है, इसके अंदर ही आपको अप्लाई करना है। तो आखिरी समय के रश से बचने के लिए कोशिश कीजिए कि फॉर्म जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपॉर्चुनिटी है, सब लोग अप्लाई कीजिए। ठीक है, देर आर सम अदर इम्पॉर्टेंट डेट्स। डाउनलोडिंग ऑफ प्री कॉल लेटर, 1 तारीख को फॉर्म लास्ट होना है, और प्री एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए जो डाउनलोड कॉल लेटर स्टार्ट होगा वो 15 अक्टूबर 2019 को होगा। ठीक है, 15 अक्टूबर 2019 से लेकर 22 अक्टूबर तक इसका आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड देखिए कितनी अच्छी बात है, डेट ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टीयर 1 का पहला जो एग्ज़ाम होगा फेज 1 का, वो 21 और 22 अक्टूबर है। मतलब मुश्किल से अगर आज से बात करें तो 1 महीना 3 दिन, 1 महीना इसको मान लीजिए, 1 महीना समय है आपके पास इसके प्री की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो लग जाइए, कमर कस लीजिए, प्री की तैयारी कीजिए। जैसे सबको पता है कि प्री का क्या सिलेबस है, 3 सेक्शन है, 1 घंटे का टाइम है, 35 मिनट, 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन 35 मैथमेटिक्स का है, 35 रीजनिंग का है और 30 इंग्लिश का है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। आइए आगे देखते हैं और क्या है, वैकेंसीज कहाँ है, कितनी है। ठीक है, डिटेल आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में, फिर भी मैं आपके पास लेके आया हूँ। टोटल वैकेंसीज आर 7871। दीज आर द डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी जोन वाइज, नॉर्दर्न जोन में कितना है, नॉर्थ सेंट्रल में है, ईस्ट सेंट्रल, ईस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन, साउथ सेंट्रल जोन, साउथर्न जोन, वेस्टर्न, ये सारा ऐड करके 7871 वैकेंसी हो रहा है। तो ये सारी वैकेंसीज हैं, काफ़ी वैकेंसीज, आप जिस जोन से बिलोंग करते हैं वहाँ से इसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, क्वालिफिकेशंस क्या हैं इसकी, तो क्वालिफिकेशंस इज सिंपल, ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है। अप्लीकेशन फ़ी कितनी है, तो जनरल के जो लोग हैं OBC और जनरल के जो लोग हैं उनके लिए 600 रुपया है, 600 रुपीज़ जो अप्लीकेशन फ़ी है, और SST कैंडिडेट है उनके लिए जो है 100 रुपीज़ है। ठीक है, SST का जो कैंडिडेट उसके लिए 100 रुपीज़ चार्ज है। अब आते हैं, बात करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न है जैसा मैंने आपको कहा था कि जो पहला एग्ज़ाम है 100 मार्क्स इन 1 आवर, मैथ 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स। ठीक है, तो देखिए ध्यान देने की बात क्या है कि आजकल के बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर का जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसका PT का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, तो आपको मैथ और रीजनिंग का जो सेक्शन है उसमें बहुत ही अच्छा मार्क्स लाना है। मतलब 35 क्वेश्चन हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि 30+ आपको मैथ रीजनिंग दोनों में स्कोर करना है, एंड इंग्लिश 30 है तो आपको 20+ करना है। इसके लिए आपको बहुत ही क्लीन कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कुछ खास चीज़ों में लोग फंसते हैं, सिलॉग आजकल जो आ रहा है, सेरेलिज्म जिसको बोला जाता है, वो भी बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें आपको एकदम क्लीन कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यूट्यूब में देखिए एक से एक ट्यूटर हैं आजकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स के, जो इसको पढ़ाते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जिसमें कैंडिडेट फंसते हैं, कुछ ऐसी वीडियोज लाऊँ जिसमें कैंडिडेट फंस जाते हैं PT एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और जुड़िए चैनल से। कोशिश करूँगा मैं जितना ज़्यादा मदद कर सकूँ आप लोगों की इस एग्ज़ाम के लिए करूँ। ठीक है, तो मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस डेट तो मोर्निंग साम का भी नहीं हुआ है, डेट विल बी नोटिफाइड लेटर,
बट द सिलेबस ऑफ द एग्जाम है और कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस सेक्शन से आएंगे, ये क्लियर हो चुका है. तो द एग्जाम विल बी ऑफ 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस एंड 150 मिनट्स. ठीक है, देर विल बी 5 सेक्शंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड GA. ठीक है, ईच कंसिस्ट 40 क्वेश्चंस. ठीक है, सब 40 40 क्वेश्चंस के हैं, 40 मार्क्स के हैं. ठीक है, एंड टोटल टाइम ड्यूरेशन इज 150 मिनट्स. ठीक है, तो ये था डिटेल्स इस एग्ज़ाम का. इसको फॉर्म भरिए, सबको ऑल द बेस्ट, सब फॉर्म भरिए, सब लोग इसको अप्लाई कीजिए, अच्छे से पढ़िए, इस चैनल से भी जुड़िए ताकि मैथ और रीजनिंग के जो भी कंसेप्ट मैं बताऊँ वो आपको उसका फ़ायदा मिले. अदर चैनल से भी जुड़िए जिससे आपको लगता है कि बैंकिंग के, IBPS के, IBPS PO के, क्लरिकल के जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स कराते हैं, कितना फास्ट कराते हैं, कितना क्विक कराते हैं, उन सब से जुड़िए. ठीक है, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.